दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम के खिलाफ पंत ने ऐसी चमत्कारी कप्तानी करी कि देखकर सबके होश ही उड़ गए। और कैसे अकेले पंत ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया और दिल्ली के गेंदबाजों के तूफान में किस तरीके से राजस्थान की टीम ने अपना दम तोड़ दिया वो तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का IPL क्या दिल्ली की टीम जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL 2021 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में खेला गया। राजस्थान की टीम ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया ताकि दिल्ली की टीम को कम स्कोर पर रोक सके, और वो इसमें कामयाब भी हुए। दिल्ली की टीम की सलामी जोड़ी को पवेलियन में बिठाने में राजस्थान की टीम को मात्र 18 रन खर्चने पड़े। इसके बाद श्रेयस अय्यर और पंत ने आकर मैदान में ऐसी शानदार पार्टनरशिप बनाई कि दिल्ली की टीम 100 तक तो पहुंची गई थी। अय्यर के 43 व पंत के 24 रनों ने दिल्ली की टीम को वाकई में एक नई ताकत दी थी। लेकिन इसके बाद फिर हेटमायर की बल्लेबाजी के अलावा और कोई कुछ खास नहीं कर पाया, जिसके बाद दिल्ली की टीम 20 ओवर में 154 तक ही पहुंच पाई। जीतने के लिए दोस्तों, राजस्थान की टीम को 155 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि बड़ी ही आसानी से चेस भी किया जा सकता है। लेकिन आज राजस्थान की टीम के पर खच्चे उड़ा कर रखती है तो ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी ने। तो पंत की कप्तानी के आगे राजस्थान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। आपको बता दें कि पंत ने सबको चौंकाते हुए पारी का पहला ही ओवर थमा दिया युवा गेंदबाज आवेश खान के हाथों में, और शायद इंग्लैंड की टीम के थक्कड़ बल्लेबाज लिविंगस्टोन को आवेश खान के खिलाफ खेलना ही नहीं आया, तभी तो वो मात्र 1 रन पर आउट हो गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अगले ही ओवर में हेनरिक नोर्किया ने जायसवाल का विकेट लेकर अपनी टीम के 2 विकेट तो मात्र दूसरे ओवर के खत्म होने से पहले ही पूरे कर दिए। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान की टीम को जिताने के लिए उनकी सबसे बड़ी उम्मीद उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान पर आ गए। सैमसन का साथ फिलहाल डेविड मिलर देने लगे थे, लेकिन दाद देनी होगी पंत की कप्तानी की। दोस्तों, डेविड मिलर के मैदान पर आते ही ऋषभ पंत ने किसी तेज गेंदबाज को बुलाने की बजाय मैदान पर अश्विन को बुला लिया गेंदबाजी के लिए। सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था और मैदान पर खड़े बल्लेबाजों के लिए भी। अभी तो पारी के 5वें ही ओवर में अश्विन की एक शानदार फिरकी गेंद पर मिलर स्टंप आउट कर दिए गए पंत के द्वारा। अब दोस्तों, सैमसन तो मैदान पर सेट हो चुके थे और उनका साथ देने के लिए लॉमरोर भी मैदान पर आ गए थे, जिन्होंने पिछले ही मैच में छक्कों की बारिश कर दी थी। आके भी उन्होंने चौके और छक्के लगाए, लेकिन ज्यादा बड़े शॉट लगाने के चक्कर में लॉमरोर दोस्तों रबाड़ा का शिकार बन गए और आवेश खान को आसान सा कैच समा बैठे। आगे चलकर रियान पराग का विकेट भी अक्षर पटेल ने अपने नाम कर लिया, और इसी तरीके से दिल्ली की टीम के सारे गेंदबाजों के नाम एक एक विकेट दर्ज हो गया और राजस्थान की टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। सैमसन मैदान में मौजूद थे, अकेले लड़ते हुए अपनी टीम के लिए दोस्तों सैमसन 41 गेंदों में 52 रन तक पहुंच गए। जीतने के लिए 16 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, जीत लगभग नामुमकिन थी। जिसके बाद दिल्ली की टीम ने कुछ इसी तरीके से आज पंत की शानदार कप्तानी से अपने मैच को जीत लिया और फिर से पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन चुके हैं। सो पंत एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कप्तान के तौर पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अभी से IPL की ट्रॉफी उनकी लग रही है। आप सभी दिल्ली की टीम की जीत और पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।